राइट मैसेज राइट कम्युनिकेशन कंट्री इनसाइड न्यूज। वर्तमान में प्रदेश का गंगा नदी के तटवर्ती कुछ जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं। 24 जनपदों के 600 से अधिक गांवों में बाढ़ का प्रभाव पड़ा है। ये बाढ़ प्रदेश के अंदर हुई बरसात से कम राजस्थान मध्य प्रदेश में और हरियाणा से कोटा बांध राजस्थान, माता टीला बुंदेलखंड मध्य प्रदेश और हथनी कुंड बांध हरियाणा से अतिरिक्त जल छोड़ने के कारण यमुना, चंबल, बेतवा नदी में अत्यधिक जल प्रवाह के कारण बाढ़ से लगभग 24 जनपद प्रदेश के अंदर प्रभावित हुए हैं, जिनमें 600 से अधिक गांव पर इसका असर पड़ा है। मैंने इन जनपदों की व्यापक वहां पर निरीक्षण भी किया है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा भी की है। मैं भी हमीरपुर, जालौन, इटावा, औरैया होकर के आया। कल मैं वाराणसी में था, वाराणसी से कल मैंने चंदौली, मिर्ज़ापुर, भदोही इन जनपदों के भी बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। आज मैं स्वयं यहाँ पर गाजीपुर जनपद में आया हूँ। गंगा जी के तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ के कारण लगभग 32 राजस्व गांव प्रभावित हुए हैं। लगभग 1.5 लाख की आबादी कम और ज़्यादा इससे प्रभावित हुई है। मैंने अभी बाढ़ पीड़ितों को दी जाने वाली राहत सामग्री का भी निरीक्षण किया और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जिला प्रशासन के द्वारा राहत कार्यों को किए जाने की समीक्षा भी की है। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं। हर प्रभावित गांव में नाव या फिर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ या पीएसी की फ्लड यूनिट को लगाने की कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। युद्ध स्तर पर राहत कार्य चल रहे हैं। कुछ परिवारों को जहां पर जिनके घरों में पानी घुस चुका है उन्हें सुरक्षित राहत शिविरों में लाकर के उनके लिए उस प्रकार की राहत सामग्री के साथ साथ फूड पैकेट के वितरण की कार्रवाई भी संपन्न हो रही है। जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि हर एक प्रभावित गांव के लिए एक नोडल अधिकारी की तैनाती जो पहले से है उसको और पुख्ता किए जाने की आवश्यकता है। राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में वितरित किए जाने की आवश्यकता है और समय पर किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि नदी रात्रि से स्थिर है और अब धीरे धीरे करके पानी घटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। कटान नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में हो सकता है तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए गए हैं कि वे इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कटान अवरोधक कार्य उन क्षेत्रों में जहां पर संभावित कटान की आशंका है वहां पर इस कार्य पे धनराशि की कमी कहीं नहीं, इस कार्य को तत्परता के साथ वहां संपन्न करें। जनप्रतिनिधि राहत कार्यों के साथ बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। सुरक्षित माहौल में वे उन सभी पीड़ित परिवारों से मिलें, बिना भेदभाव के सबको राहत सामग्री का वितरण करें। पुलिस विभाग से निरंतर पेट्रोलिंग करने, राहत शिविरों में रहने वाली महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए महिला आरक्षियों की तैनाती करने,
स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग को भी इन सब कार्यों के साथ जुड़ने के लिए कहा गया है और वे सभी युद्ध स्तर पर स्वास्थ्य विभाग से न केवल मेडिकल की टीम हर प्रभावित गांवों में और शिविरों में तैनात करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, बल्कि एंटी रेबीज के इंजेक्शन और एंटी स्नेक वेनम यानी सांप बिच्छू के काटने की शिकायतें इस सीजन में ज़्यादा होती हैं, इसको भी हर जगह इसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया है। पशुपालन विभाग से पशुओं के उपचार और उनके लिए चारे की व्यवस्था के लिए भी कहा गया है। ये सभी कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। जिन 32 राजस्व गांवों में बाढ़ का प्रभाव देखने को मिला है, उन पर युद्ध स्तर पर लग करके अगले 24 घंटे के अंदर उन सभी पीड़ित परिवारों को राहत उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। कार्य संतोषजनक ढंग से राहत कार्य चल रहे हैं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कोरोना महामारी के दौरान जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासन ने, हेल्थ वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स के साथ मिलकर के जो प्रदर्शन किया है, इस बाढ़ जैसी आपदा का भी सामना इसी तत्परता के साथ सभी लोग मिलकर के करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।